हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गंगा आरती के बाद हम निकल गए थे हमारे होटल के लिए। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमें फिर निकलना था हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे। मैंने तो वापस चेंज कर लिया क्योंकि सूट में थोड़ा सा झंझट लग रहा था, और ये टॉप पता नहीं बहुत ज़्यादा कलरफुल है भाई। हाँ, पापा ने भी चेंज कर लिया, निक्कर और टी शर्ट, मम्मी वैसे ही हैं। और ये टॉप मैं आज अपनी लाइफ में पहली बार पहन रही हूँ। ये मुझे लगा था कि ये बहुत सुंदर लगा पहन के, पर ऐसा नहीं हो रहा है। पर ठीक है, इट्स ओके, लाए हैं तो पहन लेंगे। और हम जा रहे हैं यहाँ का फेमस चाट मार्केट देखने, खाने मतलब वहाँ पे, और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे इच्छा हुई तो। और बोट का एक्सपीरियंस वाज अनबिलीवेबल, और मतलब कहने से क्या, आके जाओ यहाँ एक्सपीरियंस करके जाओ। और कल होगी वापसी, आज पहला दिन था, कल दूसरे दिन भी वापसी है। और बस देखते हैं क्या क्या चाट मिलती है। चश्मा खो चुका है मम्मी के, तो मन की हो गई। पापा रखे यार मैंने, अब चंदन लगा लो। हाँ, 1000 का क्या, 500 रुपए का तो चश्मा था। 500 रुपए का मैं ही बनवा के लाई थी। मैं, आप झूठ बोल रहे हो। 300 रुपए का फ्रेम था। लड़ाई कर रहे हो मतलब। मम्मी काट नहीं जाए, तुम्हें डर नहीं लगता वैसे दुनिया में किसी से? है तो अभी हम जा रहे हैं दीना चाट भंडार, वो होटल वाले भैया ने हमें सजेस्ट किया। अरे बिस्कुट बेस्ट होते हैं चाय वाले भैया की दुकान पे। भैया कोई नमकीन है क्या? नमकीन बिस्कुट। मम्मी पापा के साथ ऐसे बनारस में घूमना इज लाइक अ सपना कम ट्रू। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रीट्स पे घूमना इज लाइक बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग पान खा रहे हैं, सबके हाथ में गमछा है, और वो एक्सेंट में जिसमें बात कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ बनारस में। तो बेसिकली काशी में दो फेमस चाट वाले हैं जो बहुत सदियों से फेमस हैं यहाँ पर, एक काशी चाट भंडार और एक ये दीना चाट भंडार। तो हमने सोचा कि हम दीना चाट भंडार पे खाते हैं। हम वेटिंग में बैठे हैं, कोई सीट खाली होगी तो जगह मिलेगी। वही पता नहीं इंग्लिश में निकल रही है, बोलती नहीं वैसे ज़्यादा। उसके बाद शॉपिंग करेंगे, पेट भर लूँ एकदम छकाछक। उसके बाद मेन्यू तो सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये आ गया हमारा गोलगप्पा। गोलगप्पा खाया है, मुझे टिक्की दही खाना है और पापड़ी चाट और बस, और कुछ नहीं खा। तो आप यहाँ आ रहे हैं तो दो चीज़ें तो ज़रूर खाइए, एक तो दही भल्ला इतना टेस्टी था, और दूसरी यहाँ की स्पेशलिटी और थोड़ी डिफरेंट है टमाटर चाट, वो भी बहुत अच्छी थी, एकदम खट्टी मीठी। ये इसमें ऊपर सारे ग्रेवी से फिलअप थी पूरी, और ये बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ का फालूदा वॉज ऑल्सो वेरी गुड। जा रहे थे लेकिन पापा का अचानक मन हुआ कि एक बार रात में 11:30 तक खुलते हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर। पापा का मन हुआ कि एक बार चलते हैं, फिर ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले भैया ने सजेस्ट किया कि काल भैरव भी चले जाइए अगर आप नहीं गए तो, क्योंकि पास ही में हैं। तो अभी हम काल भैरव जा रहे हैं और रात का बज रहा है 11:15। तो हम आप पहुँचे थे काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है, और भगवान शिव ने उन्हें नियुक्त किया है कि वो काशी के वासियों को कुछ भी सजा दे सकते हैं, इसलिए उन्हें काल भैरव कहा जाता है और वहाँ का कोतवाल कहा जाता है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं था, विच इज़ वेरी गुड। आराम से दर्शन करो, मस्त रहो, तो ज़रूर आइए यहाँ पे। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर यहाँ के दर्शन हो गए तो सबके दर्शन। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी बजी है सुबह की 5:30, और आज है डे 2 इन
बनारस। और यस, मैंने अपना कल वाला सूट रिपीट किया है क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट मेरे बहुत कहने पर। कल रात से मैं लगी हुई हूँ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसके बाद पापा फिर से गंगा दर्शन करेंगे, सॉरी गंगा स्नान करेंगे। तो आई डोंट नो कि आगे क्या करेंगे, बट आई एम इन लव विद दिस सूट। तो मैंने रिपीट कर दिया, एंड रिपीटिंग क्लोथ्स को थोड़ा सा आसान बनाओ जीवन में, ट्रिप्स पे भी ज़रूरी नहीं है, जो अच्छा लगे वो पहनो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सूट। तो लेट्स गो, नीचे ऑटो वाले भैया आ गए हैं, फटाफट मणिकर्णिका घाट जाते हैं। और पता नहीं क्या फैंटेसी हो रही है मुझे उस जगह से, पर लेट्स गो। मणिकर्णिका घाट, इसके बारे में सबने सुना है और सब यहाँ आना चाहते हैं। सबको पता है कि यहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती हैं, कोई एक ऐसा समय नहीं जब यहाँ मुर्दा ना जल रहा हो, क्योंकि ये घाट कर्स्ड है। इस घाट को शिव जी ने श्राप दिया था। जब पार्वती जी यहाँ गंगा स्नान कर रही थी, तब उनके हाथ से एक मणि गिर के पानी में गिर गई थी, और जो उनके बहुत प्रिय थी। तो सभी देवी देवताओं ने वो मणि ढूंढी, लेकिन किसी को वो मणि नहीं मिली। तो पार्वती जी बहुत दुखी हुई, उससे शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया कि जैसे आज हम गुस्से में जलते हुए यहाँ से वापस जा रहे हैं अपनी मणि लिए बिना, वैसे ही ये घाट हमेशा जलती रहेगी अंतकाल तक। आप जब भी यहाँ आए, यहाँ थोड़ा समय गुजारिए, यहाँ बैठिए, लोगों को देखिए, कोई बात करे तो उनसे बात कीजिए। यहाँ आप अंत को स्वीकार करना सीखेंगे। अगर बनारस जीना सिखाता है, तो मणिकर्णिका घाट अंत को स्वीकार करना सिखाती है। सोच रही थी कि बड़ी छोटी सी जगह होगी और रेसिडेंसी वगैरह नहीं होगी, पर यहाँ तो घर हैं और सब कुछ है। आई लव दिस पेंटिंग्स। गोवा तो मैं रख चुकी हूँ मैं दो बार।